नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू। दिस टाइम आल्सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू फ्यू ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। लेट्स मेक वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। तो आज देखते हैं कुछ वोकैब के लिए वर्ड्स जो न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुए थे। आज का जो वर्ड है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला वर्ड है सक, जिसका मीनिंग होता है असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, मतलब परेशानी में सहायता करना। इसका सिनोनिम होता है एड, सहायता, अ हेल्पिंग हैंड भी बोल सकते हो, मददगार हाथ। असिस्टेंस इसका भी मतलब होता है सहायता। इसका जो एंटोनियम होता है, अगर वो आप देखेंगे, वो होता है ब्लॉकेज, रुकावट, हिंड्रेंस, बाधा। किसी को सहायता करना, अगर उसका उल्टा बोला जाए तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज करना, उसके रुकावट करना या बाधा करना, ऑब्स्ट्रक्शन भी आप बोल सकते हैं, बाधा करना। और इसका यूसेज देखिए, सडनली देयर वर वेरी फ्यू वॉलंटियर्स offering to succor the prisoners of war who were finally back in society। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वहाँ पर कुछ ही स्वयंसेवक थे जो किसी prisoners of war के, जो prison of war थे, उनको मदद करने के लिए तैयार थे। वो were finally back in society, मतलब prisoner of war जो back आए थे society में, उनकी मदद के लिए थोड़े ही वॉलेंटियर थे, स्वयंसेवक थे, ऐसे समझिएगा इस सेंटेंस को। दूसरा वर्ड है एलिनेटिंग, इसका मतलब होता है मेक समवन फील आइसोलेटेड और एस्ट्रेंज, मतलब पृथक करना, किसी को अलग करना, अलग थलग करना बोलते हैं जिसे। एस्ट्रेंज का होता है बहिष्कार करना, आइसोलेट, अलग करना। इसका सिनोनिम डिटैच या सेपरेट, इसका मतलब भी अलग करना होता है। कट ऑफ, कट जाना, यानी अलग करना हुआ। अब अगर आप देखेंगे इसका एंटोनिम्स क्या है, तो यूनाइट, जोड़ना, एमलगमेट, मिलाना। यूसेज देखिए, डोंट गो सो फार एज टू एलिनेट अ गुड फ्रेंड, मतलब एक अच्छे दोस्त को अलग करने के लिए इतनी दूर मत जाओ। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिट्रेटिंग। रिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, मूव बैक और विथड्रॉ, यानी पीछे हटना। इसका सिनोनिम्स होता है विथड्रॉ, ड्रो बैक यानी निकालना या वापस खींच लेना, पुल बैक, पुल आउट, पीछे खींचना, बाहर खींचना, किसी एक सीमा से, प्रांत से बाहर खींचना। इसका दूसरा भी एक नोट कर लीजिएगा जो बार बार यूज़ होता है, वो बीट अ हैस्टी रिट्रीट, मतलब जल्दबाजी में पीछे हटना। इसका एंटोनिम्स होता है एडवांस, आगे बढ़ना, मेक हेडवे, आगे बढ़ना। अब यूसेज देखिए कैसे यूज होता है ये वर्ड, इज द आर्मी रिट्रीटिंग और विल देयर बी अनदर बैटल, मतलब क्या सेना पीछे हट रही है या कोई और लड़ाई होगी। नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर, इसका मतलब होता है सपोर्ट और स्ट्रेंथन, सहारा देना या मजबूत करना। पर एक बोल्स्टर का मतलब और याद कर लीजिए, जो नॉर्मली यूज होता है गोल टाइप का जो तकिया होता है, उसे भी बोल्स्टर बोला जाता है। तो ये सेंटेंस से पता चल जाता है कि इस बोल्स्टर का क्या मतलब है। इसका सिनोनिम्स होता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना, सपोर्ट, सहयोग करना, रेनफोर्स, सुदृढ़ करना, यानी अगर रेनफोर्स कर रहे हैं, मैन पावर वहाँ पर भेज रहे हैं, जैसे बोलते हैं डिफेंस के अंदर रेनफोर्समेंट भेज दी गई है, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। फोर्टिफाई या इनविगोरेट भी बोला जा सकता है, उसका मतलब भी मजबूत करना होता है। एंटोनिम्स इसका अंडरमाइन, वीकन यानी कमज़ोर करना, डेबिलिटेट, इमेसिएट,
दुर्बल करना, इमेस्क्यूलेट प्रवाहीन करना, डिसिपेट या डिस्ट्रॉय अपरेट इसका मतलब होता है नष्ट करना। तो इसी ऑर्डर में आप इसका मतलब समझ लीजिएगा कि एंटोनिम्स का जो है बोलस्टर का वो कैसे रिवर्स करके आपने देखना है। स्ट्रेंथ माने मजबूती होती है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे एंटोनिम्स अगर स्ट्रेंथ का पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, वीक, स्ट्रेंथ का वीक होता है, उसी हिसाब से ये चीज़ बना के आपको समझाया जा रहा है। इसका यूसेज देखिए, हर प्रेजेंस वुड बोस्टर हिज वीक विल, मतलब उसकी उपस्थिति उसकी कमज़ोर इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। आइए आगे देखते हैं, वर्ड रियाम इसका मतलब होता है अ फील्ड और डोमेन ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट, मतलब गतिविधि या रुचि का क्षेत्र। एग्जाम्पल देखिए, इसको डोमेन भी बोला जाता है जिसे ज्ञान क्षेत्र बोलते हैं, स्फीयर एरिया फील्ड यानी क्षेत्र जहाँ पर कोई एक्टिविटी कर रहे हो। एक्टिविटी मतलब अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका डोमेन क्या है, टीचिंग का। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका एरिया क्या है, मेडिसिन का, ठीक है, क्षेत्र जैसे होता है। डिपार्टमेंट विभाग भी बोल सकते हैं आप इसको, एरिना मलभूमि या रणभूमि भी बोलते हैं, क्योंकि एक बॉक्सर का एक्टिविटी का क्षेत्र क्या होता है, बॉक्सिंग रिंग। एक कुश्ती लड़ने वाले का एक्टिविटी क्षेत्र क्या होता है, उसे एरिना बोलते हैं, मलभूमि, ठीक है। एक वॉरियर का क्षेत्र एक्टिविटी वाला कौन सा होता है, रणभूमि। इसका एंटोनिम्स एज सच इसका कोई परफेक्ट एंटोनिम्स नहीं होता। आप अगर बोलना चाहेंगे कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है तो आप लगाएंगे इट्स नॉट माय डोमेन, ठीक है, या इट्स नॉट माय एरिया ऑफ वर्किंग, या इट्स नॉट माय फील्ड, इट्स नॉट माय डिपार्टमेंट। तो नॉर्मली सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स लगा देंगे। इसका यूसेज देखिए, मेडिवल हिस्ट्री इज रियली प्रोफेसर कपूर्स रियाम, मध्यकालीन इतिहास वास्तव में प्रोफेसर कपूर का क्षेत्र है। दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।